शांति का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को न जाने किसकी नज़र लग गई है। एक से बढ़कर एक आपराधिक घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है, जैसा कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हाल ही में घटना हुए सूरजपुर जिले की, जहां एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की तलवार से निर्मम हत्या कर दी गई है। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी मारपीट की गई है। वहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार शाम को दुर्ग में हिंसा हुई, इसमें युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। सोमवार को बहराइच हिंसा की आग में जल उठा। आक्रोशित हजारों की भीड़ ने शव लेकर महसी तहसील पहुंची और महाराजगंज जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसे कई मामले और हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। सूरजपुर की घटना भी काफ़ी बड़ी घटना है, वहाँ भी भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया है और साथ ही एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को लेकर जनता की क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है, इसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ की मूल प्रवृत्ति इस तरह की नहीं है, यहाँ के लोग काफी शांत हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, एक तो उसकी छानबीन होनी चाहिए, मतलब किस तरह के लोग, और यह साजिशन कहीं बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है हिंसा को, यह देखना बहुत जरूरी है। सर, छोटे बच्चों के साथ भी गैंग रेप वगैरह भी हो जाता है, तो ये घटना कितनी निंदनीय है? घटना तो निंदनीय है ही, इसमें तो सरकार को स्टेप लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे जो हिंसात्मक वीडियो और नग्नता फैल रही है, उसके कारण लोगों की प्रवृत्तियां दूषित हो रही है, उसके कारण ये कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जड़ पे चोट करना जरूरी है। मैं राजेश सावंत सुखा, मैं बोलता हूँ भैया, ऐसे नहीं होना चाहिए। का है, पहली पुराना जमाना मतलब शांति भाव से रहा है, सब इंसान मन प्यार मोहब्बत से रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ से। लेकिन आज के डेट में इतना राक्षस जो रावण जला थे ना, ओखर से बढ़ के रावण हमारे छत्तीसगढ़ में पैदा हो गए है। जो बड़े बड़े अंजाम देवे थे, जो दुर्गम कांड हुई से, यहाँ रायपुर में कांड हुई से, ये सब चीज ला अंजाम देवे थे। ये मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो बाहरी जो नशा पत्ती करके घूमा थे, उन कड़ी से कड़ी सजा देवाए और ये अपराध ला रोके के कोशिश कराए। धन्यवाद। तो बिल्कुल सख्त से रुकवाई का करना चाहिए, छत्तीसगढ़ नहीं, ना कि केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे इंडिया में ये सब हो रहा है। अभी देखिए, सब पूरा कवर कर रहा था पूरा वर्ल्ड में कि कोलकाता वाला कांड देख लो। अभी रिसेंटली दो दिन पहले एक बच्ची का विसर्जन करते वक्त 5 साल बच्ची का रेप हुआ है। सरकार स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी तभी ऐसा कुछ हो पाएगा, वरना तो ऐसा होता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। कोलकाता कांड के बाद नर्सिंग जो डॉक्टर थी, मैम थी, उसके बाद तो 5 से 10 रेप लगातार होते हुए। हाँ, भिलाई में भी हुआ था रिसेंटली, 1 महीने पहले सूरत में भी हुआ था, और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो परसों की बात है, 5 साल की बच्ची के साथ रेप के 5 दिन बाद उसका बॉडी मिला है कल। तो ये सब तभी रुक पाएगा जब सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ हो भी नहीं पाएगा, आगे भी ये सिलसिला चलते जाएगा, जारी रहेगा।